हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्कॉर्ड होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और इसके आपको क्या एडवांटेज होने वाले हैं और इससे आप कैसे अर्निंग भी कर सकते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। के पी टैब का नाम है, इसमें हम आपको पेमेंट प्रूफ मैं वीडियो बनाता हूँ कुछ अर्निंग की, तो उसका पेमेंट प्रूफ डाल देता हूँ, कई रिव्यू यहाँ पे गिवे डाल देता हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया प्ले स्टोर से, तो आप भी इंस्टॉल कर देना। तो डिस्कॉर्ड का पहले मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। डिस्कॉर्ड एक कम्युनिकेशन करने का वे है जिससे आप अपने फ्रेंड फॉलोअर से कम्युनिकेट कर सकते हो, अपने ऑडियो से, वीडियो से या टेक्स्ट से कम्युनिकेट कर सकते हो अपने फॉलोअर से। तो यही है, सिंपल सा मीनिंग है। तो मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूँ कैसे इसको लॉगिन कर सकते हो, आईडी बना सकते हो। तो आपको डिस्कॉर्ड को ओपन करना है, तो ओपन करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन इंटरफेस आ जाएगा जो कि 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है। तो ये हेल्प बहुत ही अच्छा कम्युनिकेट करने का एक रास्ता है जिससे अपने फॉलोअर से आप अपनी कम्युनिटी बढ़ा सकते हो। जिससे आप यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का प्रोसेस आ रहा है। तो पहले आपने रजिस्टर कर देना, जब आपकी आईडी नहीं बनी तो यहाँ पे एक यूज़र नेम यूनिक सा सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप यहाँ पे सर्च करा जाए। तो यहाँ पे आपने ईमेल सर्च सेलेक्ट अपना ईमेल डाल देना और अपना पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, जो कि मतलब काफ़ी वीक पासवर्ड मत डालना, वीक पासवर्ड यहाँ पे नहीं सेलेक्ट करते, तो आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो नेक्स्ट कर देना है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप देख सकते हो क्रिएट माई ओन। तो मैंने कहा था कि किस किस पर्पस वास्ते यूज़ किया जाता है, तो आप देख सकते हो लोग यहाँ पे गेमिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स से बातें करने के लिए, स्टडी ग्रुप के लिए, आर्टिस्ट क्रिएटर और क्लब्स। यहाँ पे आप कोई भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं गेमिंग पर्पस की कम्युनिटी बढ़ा सकते हो आप, जो भी आपके इंटरेस्ट है वो सब आप कर सकते हो, फन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सब इनका पर्पस है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको चलाते हैं कि आईडी बन जाएगी, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपके जो लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस तरह का आपका चैनल बन जाएगा। तो आपको करना क्या है देख सकते हो, तो आपकी यहाँ पे आपकी इमेज, यहाँ पे इमेज डालना हो तो इमेज भी डाल सकते हो यहाँ पे एडिट करके। तो आपको पहले यहाँ पे देख सकते हो आपके चैनल के नीचे प्लस का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपका सर्वर का नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का आइकन आ जाता है जिससे आप अपना एक सर्वर क्रिएट कर सकते हो। तो आपने मतलब एक सर्वर मीन्स कि अपना चैनल, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल, जो आपका चैनल है जिससे आप बात कर सकते हो, उसको यहाँ पे सर्वर का नेम दिया गया है। तो आप कंफ्यूज मत होना, सर्वर चैनल सेम ही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन आ जाता है चैनल बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो आपका सर्वर क्रिएट हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे चैनल पे क्लिक करना है, इस तरह का प्लस है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहां से अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कौन सा चैनल चूज़ करना चाहते हैं, यहां पे दो तरह के चैनल मिल जाते हैं। आप देख सकते हो चैनल टाइप, आप देख सकते हो टेस्ट चैनल और वॉइस चैनल। आप यहां पे कोई भी चैनल चूज़ कर सकते हो जिससे आप अपने फ्रेंड से बात करना चाहते हो। तो यहाँ पर उनका नाम रख देना, यहाँ पर जो भी आप चैनल का नाम रखना चाहते हो। आप प्राइवेट रखना चाहते हो अपने फ्रेंड फन के लिए तो प्राइवेट भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्लिक कर देना, बस आपका चैनल क्रिएट हो जाता है जिससे आप यहाँ पे अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। तो इस तरह का यहाँ पे चैनल अपने सर्वर में चैनल क्रिएट करने का इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप अपना पब्लिक भी रख सकते हो ताकि अपनी कम्युनिटी बढ़ाने के लिए आप कोई भी चैनल क्रिएट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मैंने चैनल क्रिएट करने की बात कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे अपना सर्वर, कैसे लोगों का सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे उनका लिंक पेस्ट कर देना है, कोई भी आपका जो भी लिंक यहाँ पे जिस तरह का लिंक मिलता है कोई भी पेस्ट करके यहाँ पे आपका ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। तो आप सर्च करके ज्वाइन करना, तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है इस तरह का। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सर्च करने के लिए हैशटैग का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर कोई भी चैनल आप चूज़ करते कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ स्काउट है नाम का। तो यहाँ पर आप कोई भी चैनल सर्च कर सकते हो, ओके। यहाँ पे सर्च करके आप उनकी लॉग आईडी आ जाएगी, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी चैनल आप डिलीट करना चाहते हो तो चैनल पे क्लिक करके, तो मैं आपको एक चैनल बना देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर मैं अपना क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ एक चैनल। तो यहाँ पर शेयर का लिंक आ गया, तो ये लिंक आप अपने अपने फ्रेंड में शेयर कर देना। फिर उसके बाद
तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे मेरे 3 चैनल क्रिएट हो गए। तो सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना नेम समझ कर लेता हूँ, पबजी गुरु, ठीक है, ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस चैनल को डिलीट करना चाहते हो, तो डिलीट करने का ऑप्शन बता देता हूँ कैसे कर सकते हो। तो इस चैनल पर क्लिक करना, यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इस चैनल पर क्लिक करना, फिर आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ जाता है एडिट में, तो आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट मिल जाता है, यहाँ से अपना चैनल डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड के लिए पब्लिक नहीं, अपने फ्रेंड चैटिंग के लिए बनाया है, तो डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। इस तरह का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये भी प्रोसेस हो गया। तो आप बात करते हैं अर्निंग की, तो आप कैसे यहाँ पे अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तो पहले अर्निंग करने के लिए पहले आपको एक कम्युनिटी टैब को अनेबल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे अपने चैनल पे आए, तो यहाँ पे अपने 3 डॉट पे आना है, फिर यहाँ पे सेटिंग पे आना है। सेटिंग के बाद यहाँ पे अनेबल कम्युनिटी, ये देखो आप देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सेटअप कर देना, जो भी आप कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, यहाँ पे जो भी आपने इनेबल करना है कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, फिर यहाँ पे उनकी गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। तो आप किस में करना चाहते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट करके आपका हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रोल का ऑप्शन आ जाता है, फिर यहाँ पे ऑन कर सकते हो। ऑन करने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद आपका सेटअप हो जाता है। सेटअप होने के बाद आपको कैसे अर्निंग करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अर्निंग करनी है। तो यहाँ पे आपको पहले तो आपको यहाँ पे मेंबर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको यूट्यूब की तरह नहीं कि यहाँ पे आप यूट्यूब जो ऐड आते हैं उससे अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों से अपनी मतलब पेटीएम या गूगल पे के अपने नंबर डाल के यहाँ से उनसे डोनेशन ले सकते हो। इस तरह का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह का ऑप्शन मिलता है अर्निंग करने का। और ये दूसरा एक वे होता है कि आप यहाँ पे कोई भी मतलब जो आपके ज़्यादा मेंबर है तो यहाँ पे आ सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने मतलब कोई लोकल ब्रांड को प्रमोट करके उनसे चार्जेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका मेंबर काफ़ी है, तो यहाँ से उनसे अपना कोई उनका ब्रांड प्रमोट करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई इनकी तरफ से आपको पैसे मिलने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यही सब आपको ट्रिक है, यही सब आप अपनी कम्युनिटी को स्प्रेड कर सकते, बड़ा ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर देना। ओके, बाय।